समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन की घोषणा के बाद सबके सामने यही सवाल है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हाल क्या होगा। क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी फिर से बैकफुट पर आ जाएगी? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए अगर इतिहास के पन्ने पलटे तो साफ दिखेगा कि इस गठबंधन ने सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी का ही किया है। राम मंदिर आंदोलन के बाद 1991 में बीजेपी पहली बार उत्तर प्रदेश में सरकार में आई थी। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद बीजेपी के नेताओं को पूरी उम्मीद थी कि पार्टी पहले से ज्यादा सीटें लेकर सत्ता में वापसी करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन ने बीजेपी का रास्ता ऐसे रोका कि पार्टी की हालत चुनाव दर चुनाव कमजोर होती चली गई। बीएसपी को इस चुनाव में करीब 11%, जबकि समाजवादी पार्टी को करीब 18% वोट, यानी इस गठबंधन को कुल 29% वोट और 176 सीटें मिली। वहीं बीजेपी को करीब 33% वोट और 177 सीटें मिली थी। यानी आंकड़ों के खेल में बीजेपी आगे थी, लेकिन बीजेपी के साथ कोई दूसरी पार्टी नहीं आई और इस तरह राज्य में मुलायम सिंह की सरकार बन गई। उत्तर प्रदेश की राजनीति में तब बीजेपी को अछूत घोषित कर दिया गया था, लेकिन इस गठबंधन के टूटने के बाद बीजेपी की सरकार में वापसी हो गई। हालांकि पार्टी 2014 से पहले कभी उस स्थिति में नहीं आ पाई जैसे 1989 और 1991 के चुनाव में थी। यानी इस गठबंधन ने बीजेपी का रास्ता इस समय रोका जब पार्टी अपने चरम पर थी।